कलश शोभा यात्रा के साथ 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ। कोटा विजेंद्र सिंह दायमा। खेड़ली फाटक स्थित मंगलाश्रम बालाजी मंदिर में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा के प्रथम दिवस को कलश यात्रा गंगेश्वर महादेव मंदिर सुभाष कॉलोनी से मंगलाश्रम बालाजी मंदिर तक निकाली गई। कथा व्यास आचार्य पंडित कैलाश चंद्र तेहरिया सवाई माधोपुर के मुखारविंद से श्रीमद भागवत कथा का महात्म की कथा सुनाई गई। कथा के मुख्य यजमान राकेश मीणा ने बताया कि कलश यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा व्यास आचार्य पंडित कैलाश चंद तेहरिया ने बताया कि 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद भागवत कथा आयोजन में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक श्रवण पान कराया जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की, मंगलाश्रम हनुमान जी महाराज की। प्रिय सज्जनों, परम सौभाग्य का दिन है आज हमारे लिए कि गुरुपूर्व पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मंगलाश्रम बालाजी खेड़ी फाटक पर श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ हो रही है और गंगेश्वर महादेव मंदिर खेड़ी फाटक से श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा निकल के आई और 7 दिनों के लिए मंगलाश्रम बालाजी पर आज श्रीमद् भागवत ग्रंथ की स्थापना हुई, जिसके हमारे मुख्य यजमान परीक्षित के रूप में राकेश जी मीणा हैं। और 7 दिनों के लिए आज से यहाँ भक्ति ज्ञान प्रेम की गंगा बहेगी, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्त डुबकी लगा करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे और पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। आज कथा अभी मध्यान्ह दिन के 1:30 बजे से 4:30-5 बजे तक चलेगी। कल से कथा का समय 12 बजे से 4 बजे का रहेगा, इसलिए समस्त श्रद्धालु भक्तजन, भागवत के रसिक, भगवत प्रेमी सभी अधिक से अधिक संख्या में मंगलाश्रम बालाजी खेड़ली फाटक पर पधारकर कथा श्रवण करके सब अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे, पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे और विशेष बालाजी महाराज की यह कृपा सभी श्रद्धालु भक्तों का, इनका इतना आशीर्वाद कि विगत 35 वर्षों से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हर वर्ष चलता आ रहा है और समस्त श्रद्धालु भक्तजन बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से जो है इसमें सहयोग करते हैं और धर्म लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए सभी से मैं आज हमारे परम पूज्य कैलाश जी की और माता रानी की कृपा से भगवत कथा का आयोजन किया, जो आज से दिनांक 3 तारीख तक चलेगा, जिसमें सभी भक्तजन से अनुरोध है।